आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे।